नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अमोदेवा की पहली फार्म अपडेट में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज मौसम हो रहा है बहुत ही रोमांटिक। और ऐसे मौसम में एक किसान क्या करता है? जी हाँ, वो लगाता है ताज़े बीज। अब एक किसान के लिए तो उसका परिवार उसका खेती है ना, तो आइए अपना परिवार बढ़ाते हैं। हाँ तो भाई, कौन से बीज उगा रहे हैं दिखाई तो जरा। भाई वाह, भिंडी के बीज, बहुत ही बढ़िया। ये जो आप लाइन अभी देख रहे हैं, इसमें हमने बैंगन पहले से उगाया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं वो ये है कि बैंगन के बीच में हम भिंडी के बीज लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जितने हमारे बैंगन का पौधा ख़त्म होगा, हमारी भिंडी की पौध निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। अब जितने हमारे बीज लग रहे हैं, छोटा सा डिटूर करते हैं और पूछते हैं आपसे एक सवाल। क्या आप जानते हैं जो बेल आ रही है ये किस सब्जी की है? फूल देख के तो पहचान ही गए होंगे। ये बेल है कद्दू की, यानी कि पंपकिन। ये देखिए, अब इतना बढ़िया मौसम और हम लगाए सिर्फ एक बीज, इसमें तो कोई मजा नहीं है ना। तो एक से भले दो। ये जो बीज आप देख रहे हैं, ये है कॉर्न का बीज, यानी कि मक्का। और ये हम लगाएंगे अपने नींबू के पेड़ों के पास। बारिश के बाद का समय बहुत ही बढ़िया समय होता है किसानों के लिए बीज लगाने में, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी एक नमी आ जाती है, पानी कम लगाना पड़ता है और बीज जो होता है बहुत ही जल्दी जर्मिनेट भी हो जाता है। तो आज की अमोदेवा फार्म अपडेट से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो बीज हमने आज लगाए हैं, आपकी दुआ से बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होके एक पौधे में तब्दील हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे हमारे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपना अपना ख्याल अच्छे से रखें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।